नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के लिए 41 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, घोषणा हो चुकी है। लेकिन राजस्थान में बीएसपी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और हरियाणा में विश्नोई ने पूरा समीकरण हिला के रख दिया है और कर्नाटक में भी कोई अच्छा सीन वहां दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अब बाकी बची 16 सीटों पर 10 जून को वोटिंग होनी है और इसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। निर्विरोध निर्वाचित घोषित 41 उम्मीदवारों ने कांग्रेस जो उम्मीदवार हैं उसमें कांग्रेस के पी चिदम्बरम और राजीव शुक्ला, बीजेपी की सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार, कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल, राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जैसे बड़े नेता शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है और राजस्थान जैसे राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है वहां मायावती की बसपा ने पार्टी के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। और जैसा कि मैंने बताया, कुछ ऐसा ही हाल हरियाणा का भी है। वहां के जो कुलदीप बिश्नोई हैं वो काफी अलग सा सीन क्रिएट कर रहे हैं। बसपा की राजस्थान इकाई ने एक व्हिप जारी करके उन 6 विधायकों को राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को अपना मत देने को कहा है, जो जो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते थे लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने व्हिप जारी करके कहा है कि 2018 में विधानसभा चुनाव में बसपा के चुनाव चिन्ह पे जीतने वाले 6 विधायक पार्टी व्हिप के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है और बसपा कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों से सहमत नहीं है, इसलिए उनके उम्मीदवारों का विरोध करती है। इन 6 विधायकों में राजेंद्र गुड्डा, लखन मीना, दीपेंद्र कोरिया, संदीप यादव, योगिंदर अवाना और वाजिब अली शामिल हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीट के लिए चुनाव होगा। अब मैं बात करती हूँ हरियाणा की। हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस से नाराज विधायक कुलदीप बिश्नोई में एक तरह से कहते हैं ना, वार पलटवार शुरू हो गया है। वो उसे कुछ कह रहा है, वो उसे कुछ कह रहा है। कांग्रेस आलाकमान से लेकर के हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन बिश्नोई को मनाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए चिंता की बात ये है कि हरियाणा से राज्यसभा जाने के लिए एक उम्मीदवार को 31 वोट चाहिए और कांग्रेस के पास 31 ही विधायक हैं। ये बड़ा मुश्किल सा एक टास्क हो गया है। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को रायपुर भेज दिया था। अजय माकन खुद बिश्नोई को मनाने की कवायद में लगे हुए हैं। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अगर राहुल गांधी बिश्नोई से मिल लेंगे तो बात बन सकती है। हरियाणा की एक राज्यसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत तय है। दूसरी सीट पे कांग्रेस के अजय माकन का मुकाबला निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा से है, जिन्हें जेजेपी और बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। अपने वोट को लेकर के बिश्नोई ने सस्पेंस बना रखा है। हाल में उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज से मतदान करेंगे। मीन्स सब कुछ उन्होंने अपने अंदर ही अभी दबा के रखा हुआ है, कुछ बताया नहीं है। अब कर्नाटक का भी सीन देख लीजिए। कर्नाटक से राज्यसभा की 4 सीट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौथी सीट के लिए कांटे की टक्कर होगी। चौथी सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या में वोट नहीं होने के बावजूद राज्यसभा के सभी 3 राजनीतिक दलों बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर ने इस सीट के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और राज्य महासचिव मंसूर अली खान और जद एस के पूर्व सांसद डी कुपेंद्र रेड्डी शामिल हैं। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जेडीएस की ओर से
रेड्डी के निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए समर्थन मांगने के बावजूद कांग्रेस ने नामांकन पत्र वापस नहीं लिया है और अपने सभी विधायकों को पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए एक व्हिप जारी कर दिया है। जेडीएस ने धर्मनिरपेक्षता का आह्वान करके और सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा है। ऐसा बताया जा रहा है कि पार्टी प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी चर्चा की थी। पार्टी के दूसरे उम्मीदवार के रूप में खान के नाम की घोषणा कांग्रेस द्वारा एक बहुत ही हैरान करने वाला स्टेप है, उनका आश्चर्यजनक कदम है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक सीट जीतने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सभी 11, तमिलनाडु में 6, बिहार में 5, आंध्र प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 3-3 और छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना और झारखंड में 2-2, उत्तराखंड में 1 उम्मीदवार बिना किसी मुकाबले के निर्वाचित हुए हैं। निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए 41 उम्मीदवारों में से 14 बीजेपी के, 4-4 कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के हैं। द्रविड मुन्नेत्र कसगम और बीजू जनता दल के 3-3, आम आदमी पार्टी, राजद, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अन्ना द्रमुक के 2-2 और झामुमो, जद, सपा और रालोद के 1-1 नेता और निर्दलीय कपिल सिंबल शामिल है। तो ये है वो एक कहना चाहिए कि प्लस माइनस का हिसाब किताब जिसके लिए 10 जून को चुनाव होना है और सभी स्टेट अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें अड़चने भी डाल रहे हैं। जैसे राजस्थान में बसपा ने कांग्रेस की मुसीबत खड़ी की हुई है, तो हरियाणा में बिश्नोई ने पूरा पार्टी का गणित बिगाड़ के रखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्नाटक में भी मामला काफ़ी दिलचस्प है। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा दोस्तों, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, आपसे मैं फिर मिलती हूँ किसी और कंटेंट के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।